बढ़ेंगे आगे। यूपी में 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हो गए। 3 नए पुलिस कमिश्नरेट में आयुक्त की तैनाती हुई है। अजय मिश्रा गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर बने हैं, तो वहीं प्रिंतिंदर सिंह को आगरा का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। आईपीएस रमित शर्मा प्रयागराज के पुलिस आयुक्त बने हैं। अशोक मोथा जैन वाराणसी के पुलिस कमिश्नर बने हैं। इसके साथ ही लक्ष्मी सिंह नोएडा की पुलिस कमिश्नर बनाई गई हैं। आलोक सिंह एडीजीपी डीजीपी कार्यालय लखनऊ बने हैं, तो सतीश गणेश एडीजीपी डीजीपी कार्यालय बनाए गए हैं। तो वहीं आईपीएस तरुण गाबा को आईजी रेंज लखनऊ बनाया गया है। आईपीएस राकेश सिंह को आईजी रेंज बरेली बनाया गया है। चंद्र प्रकाश को आईजी रेंज प्रयागराज बनाया गया, तो आईपीएस मुनिराज को अयोध्या का एसएसपी बनाया गया। आईपीएस प्रशांत वर्मा बहराइच के एसपी बनाए गए हैं, तो केशव कुमार चौधरी एसीपी आगरा बनाए गए। आईपीएस शैलेश पांडे मथुरा एसएसपी बनाए गए हैं। तो ये तमाम बदलाव भी किए गए। इसके साथ ही कमिश्नरेट प्रणाली के तहत सभी कमिश्नर को तैनात किया गया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। अश्विनी हमारे साथ लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही गाजियाबाद से हमारे साथ यादराम भारती जुड़ चुके हैं, और इसके साथ ही आगरा से कृष्णा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, देखिए लगातार ये आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं, और तबादलों के साथ जो उम्मीद की जा रही थी या आगे आने वाले वक्त में जिस तरह से कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है, उसके बाद गाजियाबाद हो या फिर आगरा हो या फिर प्रयागराज हो, हर जगह कमिश्नर की तैनाती होगी, और वो तैनाती भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के 3 नए जिलों में भी कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया, जिसमें आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद शामिल हैं। तीनों जिलों को अपना पहले पुलिस कमिश्नर मिल गए, जिसमें से अगर बात करें तो गाजियाबाद को अजय मिश्रा मिले हैं, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्त से आए थे और प्रतीक्षारत थे। काफी दिन से इनके भाग्योदय के लिए अपने लगे हुए थे, आज कल देर रात इनका भाग्योदय हो गया निश्चित होकर। इसके बाद अगर बात करें आगरा को प्रतिबंदर सिंह मिले हैं। प्रतिबंदर सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा कांड में जो उपद्रवी थे उन पर बड़ी कार्रवाई की थी, और कहीं ना कहीं उनको इसका फायदा फल मिला है। इसके अलावा बात करें अगर तो रमेश शर्मा पुलिस कमिश्नर प्रयागराज बनाए गए। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी चीज समझने वाली है कि 3 जो जिले हैं नए कमिश्नरेट बनने, तीनों में आईजी रेंज के अधिकारियों को कमान दी गई। हालांकि अभी तक एडीजी रैंक के अधिकारियों को कमान दी जा रही थी जो कमिश्नर सिस्टम था उसमें, लेकिन पहली बार हुआ कि आईजी रैंक के अधिकारियों को कमान दी गई। निश्चित तौर पर कल देर रात बड़े संख्या में तबादले हुए। 16 वरिष्ठ आईपीएस के तबादले हुए, जिसमें आलोक सिंह जो नोएडा कमिश्नर थे उनको हटाया गया। लोग कहते थे सुबुहाट होती थी कि ये अमृत लेकर गया आलोक सिंह आए हैं और इनका हटना मुश्किल है, लेकिन जब से कमिश्नरेट लागू हुआ था नोएडा में तब से आज तक वो वहां पर बने हुए थे। लखनऊ और नोएडा एक साथ कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ था, लखनऊ में अब तक 3रे कमिश्नर बन चुके, लेकिन वहां पर वो डटे हुए थे। लेकिन कल देर रात उनका जो अच्छे दिन चल रहे थे युद्ध कहे तो वो समाप्त हो चुके, और उनको अब जो पुलिस मुख्यालय वहां अटैच कर दिया गया। वहां नोएडा की जो नई पुलिस कमिश्नर बनाई गई है लक्ष्मी सिंह, वो लखनऊ आईजी रेंज थी और उनको वहां भेजा गया। निश्चित तौर पर लखीमपुर का जब कांड हुआ था तो एसआईटी हेड एसआईटी को लीड कर रहे थे और अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, कहीं ना कहीं उसका फायदा उनको मिला और वहां पर भेजा गया। साथ ही साथ एस सतीश गणेश, अभी हाल ही में देखा गया था कि डबल एनकाउंटर उन्होंने वहां पर किया था वाराणसी में, लेकिन वो भी काम नहीं आया और उनको भी हटाया गया, उनको मुख्यमंत्री जो मुख्यालय है उससे अटैच किया गया। इसके अलावा तमाम अन्य अधिकारियों को भी जो है हटाया गया और नई जिम्मेदारी मिली। अशोक मुथा जैन है, इनको नई जिम्मेदारी मिली, इनको पुलिस कमिश्नर जो है वाराणसी बनाया गया। इसके अलावा एसएसपी गाजियाबाद मुनिराज सिंह थे, उनको एसएसपी अयोध्या बनाया गया। बात करें वर्तमान एसएसपी अयोध्या जो थे उनको एसपी बहराइच बनाया गया। इसके अलावा एसएसपी जो बहराइच शैलेंद्र पांडे थे उनको एसएसपी मथुरा बनाया गया। एसएसपी मथुरा अभिषेक यादव एसपी इंटेलिजेंस बनाए गए। निश्चित तौर पर तमाम अधिकारियों को कल देर इधर से उधर किया गया, जिसमें 3 नए पुलिस कमिश्नरेट को पहले अपने कमिश्नर मिले, साथ ही साथ जो 2 पुराने कमिश्नरेट थे उनको उनके कमिश्नरों को हटाया गया, उनकी जगह नई तैनाती दी गई। जी बिल्कुल, और हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ यादराम भारती गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। यादराम, जहां एक तरफ गाजियाबाद को कमिश्नरेट प्रणाली से जोड़ा गया, इसके साथ ही साथ देखिए अब नए कमिश्नर की नियुक्ति भी हो गई है। अजय मिश्रा पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं गाजियाबाद के।
बिल्कुल रितु, मैं बता दूं कि गाजियाबाद में लगातार बढ़ता क्राइम ग्राफ जो है वो कमिश्नरी बनने की सबसे प्रमुख वजह रहा। खैर, अगर कुछ समय पीछे जाया जाए तो ये कमिश्नरी पिछले साल अप्रैल में लागू होने वाली थी और काफी तेजी से इसकी चर्चा चल रही थी। और उस समय जो कप्तान यहाँ पर पोस्ट किए गए आईपीएस मुनिराज, वो 2 महीने करीब करीब अस्थायी पोस्टिंग रहे, क्योंकि चर्चा ये थी कि कमिश्नरी बनने के बाद कप्तान नियुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अपने करीब 8 माह के कार्यकाल में मुनिराज ने यहाँ कई बड़े एनकाउंटर किए, 50 से ज्यादा एनकाउंटर किए, और अब वो गाजियाबाद के आखिरी कप्तान साबित हुए। और अब अजय मिश्रा ने यहाँ पर कमिश्नर, यानी कि पहले कमिश्नर की जो कमान है वो संभाली है। 2000 बैच के आईपीएस अजय मिश्रा बहुत ही तेज तर्रार आईपीएस माने जाते हैं, और जिस तरह गाजियाबाद का जो क्राइम है, एक मल्टी जो क्राइम है यहाँ पर, हर तरह की ब्राइटी क्राइम को देखने को मिलती है, उसको लेकर निपटना उनके लिए बड़ी चुनौती रहेगी। और बताया जाता है कि जो अजय मिश्रा हैं वो कई जिले, जो यूपी के कई जिलों में, 7-8 जिलों में कप्तान रह चुके हैं, और अभी प्रतिनियुक्ति पर सेंट्रल गए थे, और अभी हाल ही में 3 महीने पहले ही वो यहाँ पर लौटे हैं। तो पहले कप्तान के रूप में जो पारी है वो उनकी शुरू हो गई है, और अब देखने वाली बात यह होगी कि गाजियाबाद में बढ़ता क्राइम और साथ ही साइबर क्राइम, जो कि इस समय गाजियाबाद में एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए बना हुआ है, वो कितना उस पर लगाम लगा पाते हैं। अन्य और भी ऐसी चुनौतियां हैं जो गाजियाबाद के लिए उनके लिए तैयार हैं। लगातार कई लूट होना गाजियाबाद में कमिश्नरी बनने की सबसे बड़ी वजह रहा है, और ऐसी लूटों पर अंकुश लगाना, अपहरण बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ गए हैं, साइबर क्राइम है यहाँ पर, तो हर तरह की जो वैरायटी है गाजियाबाद में, चूंकि दिल्ली से सटा हुआ है, ऐसे में और भी ज्यादा जो प्रेशर है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। तो इन तमाम चुनौतियों को देखते हैं कैसे निपटाते हैं अजय मिश्रा। फिलहाल जो अधिकारी हैं वो तेज तर्रार माने जाते हैं, और शासन ने यहाँ पर उनकी नियुक्ति की है, और साथ ही अभी कई और जो अधिकारी हैं यहाँ पर उनकी पोस्टिंग अभी बाकी है, कई डीसीपी हैं जिनकी पोस्टिंग यहाँ पर बाकी है। तो फिलहाल यही उम्मीद की जा रही है कि जो अजय मिश्रा है वो यहाँ पर अच्छा काम करेंगे, और जो कमिश्नर प्रणाली है उसके लिए एक अच्छा मैसेज देने का काम करेंगे। बिल्कुल यादराम, आपके पास लौटूं कि हमारे साथ आगरा से कृष्णा भी जुड़े हुए हैं। कृष्णा, आगरा को भी अपना पुलिस कमिश्नर मिल चुका है, और कहीं ना कहीं अब नजर है कि आगे आने वाले वक्त में किस तरह से ये पूरी कार्यप्रणाली लागू की जाएगी, कानून व्यवस्था किस तरह से दुरुस्त की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं बता दूं, सरकार लगातार कानून व्यवस्था को सही करने का प्रयास कर रही है। इसके बाद पहले 4 कमिश्नर थी, इसके बाद 3 कमिश्नर प्रणाली और लागू की, लगभग 7 के समय कमिश्नर प्रणाली है। आगरा को, आगरा में सुखविंदर सिंह को कमिश्नर बनाया गया है, तो अलग जिलों में अलग अलग की तैयार की गई है। जिस तरह से लगातार कानून व्यवस्था को लगातार सही करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, क्यों कमिश्नर प्रणाली लागू करने से लगातार जो कई चीजें ऐसी थी उसको लेकर काफी चीजें में बदलाव हुआ। जैसे चुनका एक दिन रास्ता की बात आई, कई ऐसे समस्या रहती थी जिसकी फाइलें अटकी रहती थी, तो उन समस्याओं का निस्तारण इस कमिश्नर प्रणाली के माध्यम से जल्द होगा, कानून व्यवस्था सही होगी, क्योंकि यहाँ पर पुलिस अधिकारियों का प्रभाव ज्यादा रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कमिश्नर में कमिश्नर प्रणाली खोलने के बाद जिले में सबसे ज्यादा आईपीएस की तैनाती रहती है। तो निश्चित तौर से कानून व्यवस्था को सही तरीके से लागू करने के लिए, कानून व्यवस्था को सही करने के लिए सरकार ने इसलिए फैसला लिया है। लगातार हम लोगों ने कई लोगों से बातचीत की कमिश्नर प्रणाली को लेकर, काफी लोगों ने कमिश्नर प्रणाली को लेकर काफी प्रशंसा दी थी, लेकिन कुछ लोगों की राय ये भी थी कि क्योंकि पुलिस प्रशासन पहले से ही तानाशाह रहती है, उसके बाद यदि पुलिस को अधिकार और बढ़ जाएंगे तो निश्चित तौर से पुलिस का तानाशाह रवैया और भी बढ़ सकता है। तो सरकार को इस विषय पर भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि कई मामले ऐसे हैं पुलिस इस वाले मामले में लापरवाही बरती है, कुछ व्यक्तियों की सुनती नहीं है। अब पुलिस के अधिकार बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से लोग भी प्रताड़ित होंगे, जिससे काफी समस्या भी होगी। तो सरकार को उन पहलुओं पर भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जब लगातार पुलिस इस तरह के मामले में लगातार लापरवाही बरती थी, तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली होने के बाद ऐसे लोगों पर भी प्रताड़ित न हो, क्योंकि गुंडा एक्ट की धारा पुलिस की पास। ठीक है कृष्णा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।